हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करेंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे इन हिंदी, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी जो डे होते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स होते हैं जिसे डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो एग्ज़ाम चाहे डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे SSC से हो, या कोई भी डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। CRP पैरामेडिकल में आप लोग भरे हैं तो उनमें भी दो क्वेश्चन कन्फर्म है कि इनमें से आएंगे। इनमें से कोई बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो लास्ट तक अगर वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। ऑल पे क्लिक करना ज़रूरी है ताकि नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। यहाँ पर डिफरेंट जो एग्ज़ाम होते हैं कंपिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको आंसर के संग बताता हूँ। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे है, मतलब हिंदी में क्वेश्चन को दे रहा हूँ, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जितने भी डेट्स होते हैं उन पे कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस डेट होता है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल डेट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कंपिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो उसी तरह मैं सीक्वेंस वाइज में जनवरी में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसे लाया हूँ। जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी दिसंबर तक है सीक्वेंस वाइज है, जिससे याद करने में काफ़ी सुविधा आपको हो सकता है। इंपॉर्टेंस है, इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता। यानी दो नंबर का क्वेश्चन, दो तीन नंबर का क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, लुईस ब्रेल दिवस, मतलब लुईस ब्रेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस, जिसे याद आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि किसके याद में, विवेकानंद के यादों में, जन्म के दिन पर हम लोग इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है, इसलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और तीन क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चंस है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस मतलब जो इंडियन आर्मी जो डे होता है वो कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में इंपॉर्टेंट डेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको उठा के दे सकता है। तो इसे क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो एक दो तीन नंबर आपको कन्फर्म है कि CRP पैरामेडिकल हो, या SSC GD हो, या CASF हेड कॉन्स्टेबल हो, जो भी ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हो उनमें से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सीक्वेंस वाइज में देखा जाए तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी, ये सभी को पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। शायद ही किसी को पता होगा ये डेट, यानी 26 जनवरी को नॉर्मल सभी को पता है कि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाते हैं, पर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस भी इस डेट को मनाया जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी कॉमन नेम आपको सुनने को मिल रहा होगा कि सर्वोदय दिवस क्या होता है। तो 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जा चुका है काफ़ी एग्जामों में, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म होता है कि इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है।
यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 फरवरी, काफ़ी डिफरेंट है, यानी सभी को पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलिए और आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है। चलिए और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यार देखिए आगे, तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो कि डिफरेंट एग्जामों में पूछे जा चुका है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, के ओ सू बल के स्थापना दिवस कौन सा है, तो यहाँ पे 12 मार्च का इसका स्थापना दिवस है। के और सू का आप फुल फॉर्म नेट में गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 20 होना चाहिए था पर 21 है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे दिया है आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सीक्वेंस वाइज में कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन से, इसमें बोला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को काफ़ी आप स्टार मार्क देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस यानी 23 मार्च को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे मार्च होगा, यानी भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस यानी 23 मार्च को है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चन में, जीके क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन में, बोला है राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुका है, तो यानी राम मनोहर लोहिया जयंती दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टीवी दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क दे सकते हैं, यानी 24 मार्च को इसे मनाया जाता है, विश्व टीवी दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसमें बोला है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये भी इसको भी स्टार मार्क आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बांग्लादेश का, तो 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है। 32 नंबर है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य, ये भी स्टार मार्क आप दे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी पूछा जा सकता है, तो अब 7 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क आप दे सकते हैं, अंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, ये 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 36 नंबर है कि विश्व विरासत दिवस कब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे भी आप स्टार मार्क दे सकते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसे स्टार मार्क आप दे सकते हैं। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व श्रमिक दिवस यानी 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि हाल ही में इसका 1 मई आया था, अभी फिलहाल अभी 16 या 17 तारीख है, यहाँ पे आपका विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और
लेबर डे इंग्लिश में बोला जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 1 मई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क दे सकते हैं। रेड क्रॉस दिवस भी पूछा गया चुका है काफ़ी एग्जाम में, जो कि 8 मई को पूछा, इसे मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पौधोगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को पूछा जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 मई को दूर संचार दिवस मनाया जाता है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ फिर से, यहाँ पे जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं और भी आगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क दे सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसे स्टार मार्क आप दे सकते हैं, और इसे काफ़ी जरूरी है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस यानी ब्लड डोनेशन डे कब होता है? तो 14 जून को होता है, जो कि काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस कब? तो 6 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस कब है? तो 29 जून को है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब? तो 1 जुलाई को होता है। उसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस कब? 1 जुलाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको स्टार मार्क देना चाहिए, जो कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है 63 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क आप दे सकते हैं। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कि कारगिल स्मृति दिवस कब? 26 जुलाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफेंस लाइन में पूछे जाते हैं, जो कि कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान दिवस कब है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ 66 नंबर क्वेश्चन कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, फिर से यहाँ पर युवा दिवस मनाया है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को, सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद 69 है ध्यानचंद्र का जन्मदिन कब हुआ? तो 29 अगस्त को हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यानचंद्र के बारे में भी आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टार मार्क आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है विश्व दिवस शिक्षक दिवस कब है? यानी 5 सितंबर को। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन की विश्व बंधुत्व एवं छाया याचना दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क आप दे सकते हैं, जो कि 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि
अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 15 सितंबर है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि संशयिता दिवस कब? 15 सितंबर। और 76 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षक दिवस रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ 77 नंबर क्वेश्चन जो कि आरपीएफ की स्थापना दिवस कब है? तो 20 सितंबर को आरपीएफ की यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसका स्थापना 20 सितंबर को हुआ था। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शांति दिवस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क आप दे सकते हैं। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन विश्व पर्यटन दिवस, इसे भी स्टार मार्क दे सकते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे और भी क्वेश्चन, यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब है? 2 अक्टूबर, इसे भी स्टार मार्क दे सकते हैं। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब है? यानी 2 अक्टूबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति दिवस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि 3 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, यह देख सकते हैं। यहाँ पे विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 85 नंबर क्वेश्चन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कि विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए और आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं 87 नंबर क्वेश्चन है वायु सेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे जो कि 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जो कि 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन की जयप्रकाश जयंती का 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे और दे सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है? जो भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानव दिवस जो कि 14 अक्टूबर। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है 95 नंबर क्वेश्चन, इसमें संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है जो कि विश्व मित व्यक्तिकता दिवस है, 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। उसके बाद 98 नंबर विश्व सेना दिवस जो कि सेवा दिवस यानी 9 नवंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार मार्क आप दे सकते हैं। चलिए और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है कि राविधित साक्षरता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इंटरनेशनल डायबिटीज डे जो कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, इसे ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विद्यार्थी दिवस जो कि 17 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आप देख सकते हैं 103 नंबर क्वेश्चन से यानी टाइपिंग मिस्टेक है, पर यहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन में देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है, यानी 18 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन है विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे बोला है कि सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है विश्व टेलीविज़न दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे स्टार मार्क आप दे सकते हैं, जो कि 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण दिवस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेड़ पौधा को ना काटे उस दिन का एक दिवस है जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। यहाँ पे करेक्ट आंसर 26 नवंबर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये 110 नंबर, ऐसे नंबर वाइज देखें तो 101 क्वेश्चन ही होंगे, जो कि क्रिसमस डे 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सभी को पता है। तो इतना ही था टोटल क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सीआरपी पैरामेडिकल हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे एसएससी जीडी हो। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी मेहनत लगा बनाने में।
तो ओनली 10 रुपीज़ इस PDF को मैं चार्ज करूँगा, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है अपना कि हाँ मुझे चाहिए, तब जाके मैं पेटीएम नंबर में शेयर करूँगा, और आपको व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगा PDF को। और 10 रुपीज़ आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा कि इस PDF को लेने के लिए, अगर लेना चाहते तो लीजिए, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, अगर लिख भी सकते हैं तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।